क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी के लिए। यहाँ पर हमारे पास जो इंग्लिश की बुक है वहाँ से एक पोयम है, डस्ट ऑफ स्नो। बहुत अच्छी पोयम है, मेरी फेवरेट पोयम है, बहुत बढ़िया। इट इज़ अ हाईली सिंबॉलिक पोयम। ये जो पोयम है, ये जो कविता है, ये एक प्रतीकात्मक कविता है। प्रतीकात्मक कविता मतलब इसमें एक हल्की फुल्की बात बताई गई है, लेकिन आप गहराई से सोचो तो उस बात का हमारी ज़िंदगी में बहुत गहरा अर्थ है। ऐसी पोयम को, ऐसी कविता को सिंबोलिकल पोयम कहते हैं। एट इट्स सरफेस, अगर आप सरफेस यानी कि ऊपरी सतह से देखो, ऊपर ऊपर से देखो, ही टेल्स अ वेरी ट्राइवियल इंसिडेंट, मामूली। ट्राइवियल कहते हैं मामूली, एक मामूली सी घटना को यहां पर बताया जा रहा है। मामूली, मामूली घटना, इंसिडेंट माने घटना बताई जा रही है। अगर आप ऐसे देखते हो तो आपको एक छोटी सी घटना बताई जा रही है। द पोएट इज स्टैंडिंग, वो जो कवि होता है वो खड़ा होता है, अंडर अ हेमलॉक ट्री, एक धतूरे का पेड़ होता है। हमारे यहाँ पे शिवरात्रि में चढ़ता है ना शिवजी भगवान के ऊपर धतूरा, वो काटे काटे से होते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं मुझे वो बोल, वो गोल गोल सी बोल होती है, हरे कलर की कांटे होते हैं उसमें चारों तरफ से, बड़ा मजा आता है उसे पकड़ के। हेमलॉक ट्री धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा होता है ना। इट इज वेरी कोल्ड, बहुत ठंड होते हैं आउटसाइड, एंड स्नो इज फॉलिंग, और बर्फ गिर रही होती है, बहुत ठंड होती है और बर्फ गिर रही होती है। ए क्रो इज सिटिंग ऑन वन ऑफ द ब्रांचेज ऑफ अ हेमलॉक ट्री, एक जो कौवा होता है वो बैठा होता है, सिटिंग ऑन वन ऑफ द ब्रांच, एक पेड़ में बैठा होता है हेमलॉक ट्री की, ठीक है। कौवा कैसा, काला, और हेमलॉक ट्री कैसा, जहर का, धतूरे का पेड़ है जहर का, शिवजी भगवान को पसंद होता है। इट विंग्स गेट्स कवर्ड विथ फाइन पार्टिकल ऑफ स्नो, वो जो कौवे के पंख होते हैं वो कवर ढक गए होते हैं पूरे के पूरे छोटे छोटे महीन बर्फ की पार्टिकल से, बर्फ गिर रही होती है। इट सेक्स इटसेल्फ, तो वो क्या करता है, कौवा सेक करता है अपने को, ऐसे झाड़ता है। एंड स्नो फॉल्स, और वो जो बर्फ होती है वो गिरती है ऑन द पोएट हेड, उस कवि के सर में, टाट में गिरती है। दिस लिटिल इंसिडेंट, अब ये जो छोटा सी एक घटना थी, हुआ क्या था कि वो जो कौवे के ऊपर बर्फ गिरी थी, कौवे ने बर्फ को झाड़ा तो वो उसकी टाट में गिर गई कवि की। तो ये बात तो देखने में ऐसा लग रहा है कि एक लिटिल इंसिडेंट है, बहुत ही छोटी घटना है। ब्रिंग्स अ सडन चेंज, इससे एक काफी एक चेंज आ जाता है इन द पोएट्स माइंड, उसके दिमाग में। ही फील्स दैट ही वॉन्ट लेट हिज डे, वो महसूस करता है कि ही वॉन्ट लेट, अब वो नहीं होने देगा हिज डे बी वेस्टेड, अब अपने दिन को बेकार नहीं होने देगा। बिकॉज, क्योंकि द स्नो इज फॉलिंग, बर्फ गिर रही थी। लाइक द क्रो, उस क्रो की तरह, जैसे उस क्रो ने क्या करा था, उस कौवे ने क्या करा था, ही टू विल सेक हिज इनर्सिया, वो भी अपने इनर्सिया को घेर देगा, हटा देगा। इनर्सिया क्या होता है, इनर्सिया का मतलब होता है जड़त्व, जड़त्व का मतलब होता है आलस। आलस यानी कि जब हम कोई काम नहीं करते, काम से हट जाते हैं, हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, मूड खराब हो जाता है, मूड ऑफ हो जाता है, व्हाट्सअप स्टेटस लगाते हैं ना मूड ऑफ, ऐसी जब कंडीशन हो जाती है इसे इनर्सिया कहते हैं। तो इस इनर्सिया को सेक करने के लिए, हटाने के लिए कोई हल्का फुल्का इंसिडेंट बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है। एंड गो अबाउट हिज बिजनेस, और वो दोबारे से अपना इनर्सिया को, आलसपन को हटाकर, जड़त्व को हटाकर दोबारे से अपने काम धंधे में लग जाता है। कहने को तो ये बहुत एक छोटी सी पोयम है, छोटा सा काम हुआ था, छोटे से कौवे ने छोटे से बर्फ के टुकड़ों को, एक वो कवि था उसकी टाट के ऊपर गिरा दिया था, बस इतना सा। लेकिन अगर गहराई से देखो तो एक ऐसी घटना हुई थी जिस घटना ने कवि के मूड को बदल दिया, कवि के मन के अंदर जो उदासी छाई थी उसको हटा दिया, और कवि दोबारे से अपने डिप्रेशन से निकलकर अपने काम में लग गया।